हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कुशल इंस्टीट्यूट। मैं पंकज त्रिवेदी स्वागत करता हूं कुशल इंस्टीट्यूट में आपका। आज हमारा जो एडजस्टमेंट का सफर है वो आज पूरा हो रहा है। 40 एडजस्टमेंट्स मैंने वादा किया था, 40 एडजस्टमेंट्स हम लोग सीखेंगे। आज हमारा 40 का आंकड़ा पूरा हो रहा है। पिछले वीडियो में हमारा आखिरी नंबर था 36 एडजस्टमेंट्स। इस वीडियो के पहले ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे प्लीज देख लीजिए। 36 एडजस्टमेंट्स अलग अलग ग्रुप वाइज डिटेल में, हर एक एडजस्टमेंट उसके दो इफेक्ट्स पूरा डिटेल में सीख चुके हैं। 36 के बाद आज और 4 एडजस्टमेंट्स हम सीखने जा रहे हैं। 36 के बाद 37, 38, 39 एंड 40। बच्चों, आज के ये जो 4 एडजस्टमेंट्स है वो ज्यादातर 12th वालों के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन फिर भी 11th वाले अगर सीख ले तो कोई हर्ज नहीं है। 11th वालों को अगले साल काम आएगा और कहीं FIGC में भी किसी कॉलेज में, शायद किसी एग्जाम में इनमें से एक आध एडजस्टमेंट आ जाए, कह नहीं सकते। हालांकि 11th FIGC के टेक्स्ट बुक में ये एडजस्टमेंट्स नहीं है, तो 11th वालों के लिए आज के चारों एडजस्टमेंट्स बोनस है, लेकिन 12th वालों के लिए आज के चारों एडजस्टमेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट। ऑफकोर्स ध्यान दीजिएगा, 12th वालों खास ध्यान दें। 12th में, 12वीं में आपको एक स्पेशल चैप्टर आने वाला है। जो मैंने SYGC का सबसे पहला वीडियो बनाया था वो सिलेबस का था। मैंने आपको अकाउंट्स का पूरा सिलेबस समझाया है। जिन लोगों ने सिलेबस का वीडियो नहीं देखा वो SYGC का सबसे पहला वीडियो देखिए, न्यू सिलेबस के बारे में, 2021 का अकाउंट्स का नया सिलेबस। उसमें मैंने आपको सारे चैप्टर्स के नाम और उसमें क्या क्या हम सीखने वाले हैं वो बताया था। तो उन चैप्टर्स में एक चैप्टर है आप लोगों का बिल्स ऑफ एक्सचेंज। वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपको आएगा 3-4 चैप्टर सीखने के बाद में। उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर से रिलेटेड यहां पर 4 एंट्रीज है। हालांकि उसमें हम और भी एंट्रीज सीखेंगे, 25 या 30 एंट्रीज होगी उसमें भी, 25 मिनिमम एंट्रीज है। बट उन 25 एंट्रीज में से यहां पर सिलेक्ट किया गया 4, वो 4 एडजस्टमेंट जो फाइनल अकाउंट्स में पूछी जाती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि ये चारों एडजस्टमेंट्स हम सीखे उसके पहले आप लोग जरा नोट पे गौर करें। नोट ये है कि फॉर मोर डिटेल्स रिफर टू द चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये चारों एंट्रीज के अलावा और भी एंट्रीज अगर सीखनी है तो आप चैप्टर जब सीखेंगे, चैप्टर का नाम क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तब आपको समझ में आ जाएगा। और जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर हम सीखेंगे तो उस चैप्टर में डेटर के बदले वर्ड यूज होगा ड्रॉइ और क्रेडिटर के बदले वर्ड यूज होगा ड्रॉ। मतलब उस चैप्टर में, किस चैप्टर में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम लोग डेटर क्रेडिटर वर्ड यूज नहीं करेंगे। क्या वर्ड यूज करेंगे, ड्रॉई एंड ड्रॉअर। ड्रॉई का मतलब क्या है, ड्रॉअर का मतलब क्या है, वो सब हम देख लेंगे ना उस चैप्टर में। फिलहाल आप ये ध्यान रखें कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जिसको हम ड्रॉई कहेंगे, फाइनल अकाउंट्स में उसको हम डेटर कहेंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जिसको हम ड्रॉअर कहेंगे, फाइनल अकाउंट्स में उसको हम क्रेडिटर कहेंगे। अब डेटर और क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, डेटर इज अ पर्सन फ्रॉम होम वी हैव टू रिसीव आवर मनी एंड क्रेडिटर इज अ पर्सन टू होम वी हैव टू पे। याद रखिए फिर से एक बार, ड्रॉई के बदले फाइनल अकाउंट्स में डेटर और ड्रॉअर के बदले फाइनल अकाउंट्स में क्रेडिटर। ये नोट सबसे पहले इसलिए आप लोग ध्यान में बिठा दीजिए। एक बार फिर से पढ़ूंगा, फॉर मोर डिटेल्स ऑफ एंट्रीज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिफर टू द चैप्टर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डेटर को हम कहेंगे ड्रॉई और क्रेडिटर को हम कहेंगे ड्रॉअर। लेकिन फाइनल अकाउंट्स में हमको ड्रॉई ड्रॉअर वर्ड यूज नहीं करना है, हमको वर्ड यूज करना है ड्रॉई और ड्रॉअर के बदले डेटर और क्रेडिटर। ठीक है, अब आते और एक इस तरफ के नोट में देखिए आप, और एक असेट है जिसका नाम है बिल्स रिसीवेबल और एक लायबिलिटी है जिसका नाम है बिल्स पेबल। देखिए, बिल्स रिसीवेबल और डेटर ये दोनों क्या है, असेट्स आपको पता होगा, और बिल्स पेबल और क्रेडिटर क्या है, लायबिलिटीज। तो सबसे पहले एक बात माइंड में बिठा दीजिए कि बिल्स रिसीवेबल इज रिलेटेड टू डेटर्स। ध्यान से सुना, बिल्स रिसीवेबल इज रिलेटेड टू डेटर्स एंड बोथ दीज आर शोन ऑन दी असेट्स साइड एंड बिल्स पेबल इज रिलेटेड टू क्रेडिटर्स एंड बोथ दीज आर शोन ऑन दी लायबिलिटीज साइड। पहले ये नोट को ध्यान से देख ले, माइंड में बिठा ले अगर आप सब लोग, तो आपको ये चारों एंट्रीज आसानी से समझ में आएगी। नहीं भी आएगी, वीडियो को पॉज कीजिए, रिवाइज कीजिए, रिवाइंड कीजिए, देखिए आएगा, बार बार सुनिए उसको, कॉन्सेंट्रेट कीजिए, आएगा ही। इसलिए हम आधा आधा करते हैं, आधी एंट्रीज सीख लेते हैं, थोड़ा पॉज लीजिए आप, रिवाइंड कीजिए, समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये दोनों नोट समझ गया आपको, आपको समझ में आ गया। ये जो आखिरी नोट है ये मैं आपको बाद में एंड में
बताता हूं। तो आते हैं लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे जो दो एंट्रीज है ध्यान से देखिए। अभी मैंने कहा कि बिल्स रिसीवेबल का संबंध किससे है, डेटर से, और ये दोनों कहां पे लिखे जाते हैं, असेट्स। अब मैं आपको पहले बिल्स रिसीवेबल का मतलब समझाता हूं। समझो कि आप मेरे कस्टमर हो जिसको मैंने उधारी में गुड्स बेचा, आप मेरे कस्टमर हो जिसको मैंने उधारी में गुड्स बेचा। आपने कहा सर मैं पेमेंट दो महीने बाद दूंगा, तो आप मेरे बन गए डेटर्स। क्या बन गए, डेटर। सो यू आर माय डेटर से बाय रुपीज 10,000, 10,000 रुपए का गुड्स मैंने आपको बेचा। आपने कहा सर आई विल मेक द पेमेंट आफ्टर 2 मंथ्स, आपने कहा सर आई विल मेक द पेमेंट आफ्टर 2 मंथ्स, तो 2 महीने तक आप क्या हो मेरे, डेटर्स। क्या हो, डेटर्स। और डेटर्स मेरे लिए क्या है, असेट। लेकिन आपने जब कहा ना कि सर मैं 2 महीने बाद पैसा दूंगा, तो मैंने आपसे कहा ठीक है चलेगा आप मुझे 2 महीने बाद पैसा दे, कोई हर्ज नहीं मुझे, लेकिन मुझे एक डॉक्यूमेंट साइन करके दीजिए, उस पर लिख के दीजिए कि आप मुझे 2 महीने बाद वो पैसा देंगे। तो मैंने आपके पास एक बिल साइन करवाया, एक डॉक्यूमेंट साइन करवाया। डिटेल में बच्चे लोग, डिटेल में मैं आपको बिल्स ऑफ एक्शन में पूरा समझाऊंगा, फाइनल अकाउंट्स के लिए इन शॉर्ट समझा रहा हूं, प्लीज पे अटेंशन। तो मैंने आपके पास एक डॉक्यूमेंट साइन करवाया, एक इंस्ट्रूमेंट, एक पेपर साइन करवाया। पेपर का नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या नाम है, बिल ऑफ एक्सचेंज। उसमें आपने मुझसे वादा किया कि सर मैं आपको वादा करता हूं कि आपका पैसा आपको 2 महीने बाद दे दूंगा। तो मैंने आपके पास वो बिल साइन करवा के वो बिल मैंने अपने पास रख लिया। आपने उस बात को स्वीकारा कि हाँ सर मैं आपको आपका पैसा, कितना पैसा मैंने अभी कहा, कितना कहा, 10,000, 20,000 जो भी है, वो आप मुझे कितने महीने बाद दोगे, 2 महीने बाद। तो जैसे ही आप बिल साइन करते हो ना, आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। उस बिल को मैं कहूंगा बिल्स रिसीवेबल। क्या कहूंगा, बिल्स रिसीवेबल। और वो बिल्स रिसीवेबल हमेशा किसके ऊपर ड्रॉ किया जाता है, डेटर के ऊपर। तो मैंने आपके ऊपर क्या ड्रॉ किया, बिल्स रिसीवेबल, यू आर माय डेटर। लेकिन आपने बिल साइन कर दिया ना, जैसे ही आपने बिल साइन किया ना, अब डेटर जो है वो बदल जाएगा बिल्स रिसीवेबल में। मतलब एक एसेट कम हो जाती है, कौन सी एसेट, डेटर के रूप में एसेट कम हो जाएगी और बिल्स रिसीवेबल के रूप में एसेट बढ़ जाएगी। तो जिस दिन मैं आपको गुड्स बेचूंगा उधारी में और आपके पास बिल साइन करवाऊंगा, उस दिन डेटर के रूप में एसेट कम हो जाती है और बिल्स रिसीवेबल के रूप में एसेट बढ़ जाती है। लेकिन हम उस दिन की बात नहीं कर रहे हैं, इस कहानी को माइंड में बिठाइए। आप मुझे पैसा कब देने वाले, 2 महीने बाद, ठीक है। जिस दिन मैंने आपको गुड्स बेचा, आपके ऊपर बिल ड्रॉ किया, उस दिन डेटर्स कम हो गए और बिल्स रिसीवेबल बढ़ गया। मतलब एक एसेट बढ़ गई, एसेट का नाम बिल्स रिसीवेबल और डेटर के रूप में एसेट कम हो गई। तो इन केस अगर इन फ्यूचर आपने मुझे मेरा पैसा नहीं दिया, तो मैं उस बिल को लेकर कोर्ट में जा सकता हूं, स्पेशल उसके लिए कोर्ट है, और आपके ऊपर केस कर सकता हूं पैसे की रिकवरी के लिए। तो बात करते हैं 2 महीने के बाद। 2 महीने के बाद जब ड्यू डेट आई, ड्यू डेट जिस दिन आपको मुझे पैसा देना था, उस दिन आपने मुझे पैसा दिया ही नहीं, उस दिन आपने मुझे पैसा दिया ही नहीं। तो इस परिस्थिति को, इस सिचुएशन को कहेंगे, ध्यान से देखना, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर। क्या कहेंगे, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर या फिर कैंसल्ड। इट इज कॉल्ड एज बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर और कैंसल्ड। तो 2 महीने पहले आपने मुझे वादा किया था कि सर आपको मैं पूरा 20,000 रुपया 2 महीने बाद दे दूंगा, और आज 2 महीने बाद जब मैं आपके पास पैसा मांगने आया, तब आपने मुझे पैसा दिया ही नहीं। फाइनल अकाउंट्स बनने को आ गया, फाइनल अकाउंट्स बनने वाला है, और मैं आपके पास पैसा मांगने आया, आपने मुझे पैसा दिया ही नहीं। तो इस केस का नाम क्या है, इस केस का नाम ध्यान से सुनिए, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड। और डिसऑनर के बदले और एक वर्ड यूज होता है, कैंसल्ड। जैसे हमको पार्टी का चेक मिलता है और उस चेक को हम बैंक में डालते हैं और वो चेक बाउंस हो जाता है, पास नहीं होता, तो उसको हम क्या कहते हैं, चेक डिसऑनर। क्या कहते हैं, चेक डिसऑनर। तो वैसे ही आपने मुझे बिल दिया था, आपने कहा था सर पेमेंट दे दूंगा 2 महीने बाद, 2 महीने पूरे हो गए और अभी भी आपने पैसा नहीं दिया, तो बिल भी क्या हो गया, डिसऑनर। अब 2 महीने पहले की घटना क्या थी, ध्यान से सुनिए। 2 महीने के पहले की घटना ये थी कि बिल्स रिसीवेबल के रूप में एक एसेट बढ़ गई थी और डेटर्स के रूप में एसेट कम हो गई थी। जैसे ही आप मेरे पास से बिल एक्सेप्ट करोगे, जैसे ही आप बिल पे साइन करोगे, डेटर्स के रूप में एसेट घट जाती है और बिल्स रिसीवेबल के रूप में एसेट बढ़ जाती है। मतलब आपका नाम बिल्स रिसीवेबल में दर्ज हो गया, या तो मैं आपका नाम डेटर्स की लिस्ट में लिख सकता हूं या बिल्स रिसीवेबल की लिस्ट में, दोनों में नहीं लिख सकता। जैसे ही मैंने गुड्स बेचा, आपका नाम कौन से लिस्ट में आ गया, डेटर्स की लिस्ट में। लेकिन जैसे ही आपने बिल साइन किया, डेटर्स की लिस्ट में से आपका नाम कट होके किसके लिस्ट में आ गया, बिल्स रिसीवेबल की लिस्ट में। तो 2 महीने पहले बिल्स रिसीवेबल के रूप में आप एक एसेट के रूप में बढ़ गए, लेकिन डेटर्स के रूप में कम हो गए। लेकिन आज 2 महीने बाद,
आज दो महीने बाद जब मैं आपसे पैसा मांग रहा हूं तो आपने मुझे पैसा नहीं दिया, यानी वो बिल जो दो महीने पहले मैंने आप पे ड्रॉ किया था, आज क्या हो गया? डिसऑनर, उसको कहेंगे बिल सेसिबल डिसऑनर या कैंसल्ड। इसका मतलब क्या है? देखिए, पेमेंट नॉट रिसीव फ्रॉम द डेटर्स, पेमेंट नॉट रिसीव फ्रॉम द डेटर्स, मीनिंग समझे बिना आप एंट्री कैसे करोगे? रट्टा मारने से थोड़ी वो लास्टिंग रहेगा, परफेक्ट हर एक चीज माइंड में फिक्स होनी चाहिए। डेटर क्या है, बिल सेसिबल क्या है और डिसऑनर का मतलब क्या है। तो जब ड्यू डेट पे डेटर हमको पैसा देने से मना कर देता है, बिल का पैसा, तो उसको कहते हैं बिल सेंसिबल डिसऑनर। और जब बिल डिसऑनर होगा ना, तो जो घटना दो महीने पहले हुई थी ना, उसका उल्टा हो जाएगा। दो महीने पहले क्या हुआ था मुझे बताइए फिर से। दो महीने पहले बिल सेंसिबल के रूप में एसेट बढ़ गई थी और डेटर्स के रूप में एसेट कम हो गई थी। तो आज जब आप मुझे पैसा नहीं दोगे ना, तो ये उल्टा हो जाएगा। बोलो, डेटर्स के रूप में एसेट फिर बढ़ जाएगी और बिल क्योंकि कैंसिल हो गया तो बिल सेंसिबल के रूप में एसेट कम हो जाएगी। तो आज की घटना का ये रिएक्शन है, जब आप ड्यू डेट पे बिल्स रिसीवेबल का पैसा मुझे नहीं दोगे तो बिल्स रिसीवेबल क्या हो गया, कम, और डेटर्स बढ़ गया। अब एंट्री देखिए, व्हाट इज द एंट्री? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। सो व्हाट इज द एंट्री व्हेन द बिल्स रिसीवेबल इज डिसऑनर? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, व्हाट इज द एंट्री? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। इफेक्ट देखिए, एसेट साइड पे ऐड टू डेटर्स, डेटर्स बढ़ गया और बिल टू बिल्स रिसीवेबल असेट साइड पे लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल। अभी तो मैंने कहा उस दिन क्या हुआ था, फिर से दो महीने पहले क्या हुआ था, बिल्स रिसीवेबल बढ़ गया था, डेटर्स कम हो गए थे, लेकिन आज जब बिल बाउंस हो गया तो उल्टा, डेटर्स बढ़ जाएगा और बिल्स रिसीवेबल कम हो जाएगा। समझ गए? पूरा डिटेल में हमेशा पहली एंट्री माइंड में रखोगे, दूसरी आपको तुरंत समझ में आएगी। व्हाट इज द एंट्री व्हेन बिल्स रिसीवेबल इज डिसऑनर? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। इसको समझने का दूसरा तरीका, बिल्स रिसीवेबल का संबंध किससे है? डेटर्स है, और ये दोनों कहां रिकॉर्ड करते हैं? असेट साइड। तो जब बिल रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो जाता है तो बिल्स रिसीवेबल को कम किया जाता है और डेटर्स को बढ़ाया जाता है। बिल्स रिसीवेबल को कम करते हैं और डेटर्स को बढ़ाते हैं। तो बिल्स रिसीवेबल को कम करेंगे और डेटर्स को बढ़ाएंगे तो हमें डेटर्स को डेबिट देना पड़ेगा और बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट। तो एंट्री होगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। समझ गए? पक्का? ओके। अब आते हैं 38 पे। ये जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, इस पूरे एग्जांपल में मैं जो बिल आप पे ड्रॉ करता हूं वो क्या था मेरे लिए? बिल्स रिसीवेबल। लेकिन वही बिल आप सोचिए अपने माइंड से आपके लिए क्या है, वो बिल्स पेबल, राइट? तो अब आपको बिल्स पेबल के माइंड से सोचिए, उल्टा जो बातें मैंने बताई उसको वाइस वर्सा कीजिए, समझ में आ जाएगा। बिल्स रिसीवेबल का संबंध क्या है, किससे है? डेटर्स है, और दोनों कहां जाते हैं? असेट्स। और अगर बिल्स रिसीवेबल का संबंध डेटर्स है और दोनों असेट्स में जाते हैं तो अपोजिट, अगर बिल्स पेबल हुआ तो मतलब ऐसा केस हुआ जहां पर हमें किसी को पैसा देना है और हमने बिल एक्सेप्ट किया, मैंने आपसे बिल एक्सेप्ट किया, तो मैंने कहा कि मैं आपको पैसा दो महीने बाद दूंगा, तो मेरे लिए वो क्या हो गया? बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल का संबंध किससे होगा? क्रेडिटर से। और ये दोनों कहां लिखे जाते हैं? लाइबिलिटी साइड, अपोजिट, राइट? अब ऊपर क्या डिसऑनर हुआ था? क्या डिसऑनर हुआ था? बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हुआ था, इसलिए आपने बिल्स रिसीवेबल में से लेस किया था और डेटर्स में एड किया था, इसलिए आपकी एंट्री क्या हुई? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब क्या डिसऑनर हो रहा है देखिए ध्यान से, बिल्स पेबल डिसऑनर। अब क्या डिसऑनर हो रहा है? बिल्स पेबल डिसऑनर। डिसऑनर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज कैंसल। इसका मतलब पेमेंट नॉट मेड टू द क्रेडिटर्स, उल्टा मुझे अपने क्रेडिटर्स को पैसे देने थे, मैंने वादा किया था, बिल एक्सेप्ट किया था कि मैं दो महीने बाद पैसा दूंगा, लेकिन मैंने क्रेडिटर को दो महीने बाद पैसा दिया ही नहीं। दो महीने पूरे हो गए, मैंने अपने क्रेडिटर्स को पैसा दिया ही नहीं, तो अब ये होगा कि क्रेडिटर्स बढ़ जाएगा और बिल्स पेबल कम हो जाएगा। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर में क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल कम होता है और डेटर्स बढ़ता है। तो बिल्स पेबल डिसऑनर में क्या होगा? बिल्स पेबल कम होगा और क्रेडिटर्स बढ़ेगा। सी, बिल्स पेबल कम हो रहा है ना, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। एंट्री समझिए, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। बिल्स पेबल क्या होगा? लायबिलिटी साइड पे लेस फ्रॉम बिल्स पेबल, क्योंकि बिल्स पेबल डिसऑनर हुआ तो बिल्स पेबल में से लेस करो। बिल्स पेबल को कम करने के लिए आपको बिल्स पेबल को डेबिट देना पड़ेगा, क्योंकि लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती है और लायबिलिटीज क्रेडिट होती है, आप उसको डेबिट देंगे तो लायबिलिटीज कम हो जाएगी, समझे? तो लायबिलिटीज ऑलवेज क्या होती है? क्रेडिट। तो इसलिए मैंने बिल्स पेबल को डेबिट दिया, तो बिल्स पेबल क्या हो जाएगा? कम। सो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिटर्स बढ़ गया तो टू क्रेडिटर्स। इफेक्ट देखिए, एंट्री देखिए, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। इफेक्ट, बिल्स पेबल में से लेस, लायबिलिटी साइड लेस फ्रॉम बिल्स पेबल एंड लायबिलिटी साइड ऐड टू क्रेडिटर्स। अब एक बार ये दोनों को फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। बिल्स रिसीवेबल जब डिसऑनर होता है तो उसका संबंध होता है डेटर्स से। शॉर्टकट, बिल्स रिसीवेबल का संबंध डेटर्स से, और क्या डिसऑनर हो गया?
बिल सेसेबल ना, तो बिल सेसेबल को कम करो और डेटर्स को बढ़ाओ। बिल सेसेबल डिसऑनर है ना, तो बिल सेसेबल को कम करो और डेटर्स को बढ़ाओ। तो एंट्री हुई डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल सेसेबल, इफेक्ट ऐड टू डेटर्स ऑन दी एसेट साइड और लेस फ्रॉम बिल सेसेबल ऑन दी एसेट साइड। और क्या डिसऑनर हुआ? बिल्स पेबल, उसका संबंध किससे है? क्रेडिटर्स, और दोनों कहां रिकॉर्ड करते हैं? लायबिलिटी साइड। तो जब बिल्स पेबल डिसऑनर होगा ना, तो बिल्स पेबल डिसऑनर हुआ ना, तो बिल्स पेबल को कम करो और उसका संबंध किससे? क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को बढ़ाओ। बिल्स पेबल को कम करो, क्रेडिटर्स को बढ़ाओ। बिल्स पेबल को कम करने के लिए डेबिट दिया जाता है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, और बिल्स पेबल में से लेस लायबिलिटी साइड और क्रेडिटर्स में से भी लेस लायबिलिटी साइड। आपको यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि असेट्स ऑलवेज डेबिट होता है और लायबिलिटीज ऑलवेज क्रेडिट। इसलिए असेट को जितना डेबिट दोगे वो बढ़ेगी और लायबिलिटीज को जितना क्रेडिट दोगे वो बढ़ेगी। असेट्स को जितना डेबिट देते हैं ना, असेट्स बढ़ती है, और असेट्स को क्रेडिट देते हैं तो असेट्स कम हो जाती है। और लायबिलिटीज जितना क्रेडिट देंगे लायबिलिटीज बढ़ेगी, और जितना डेबिट देंगे लायबिलिटीज कम हो जाएगी। अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो आपको ये समझ में आएगा। मैं चाहूंगा अब तक जो भी आपको समझाया है, ये दो नोट्स और ये दो एंट्रीज पॉज कीजिए, वीडियो को रिवाइंड कीजिए और ध्यान से देख लीजिए, बार बार पूरा माइंड में बिठाइए। जब तक ये दो और ये नोट्स आपके माइंड में क्लियर नहीं होंगे, आपको आखिरी दो समझ में नहीं आएंगे। हालांकि आखिरी दो आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा एक बार प्लीज आप इनको रिवाइज कीजिए। मैं वेट करता हूं, तब तक प्लीज रिवाइज। देख लिया, रिवाइज कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। आखिरी दो एंट्रीज, एडजस्टमेंट्स का सफर 40 का आंकड़ा पूरा हो रहा है। नंबर 39 हेडिंग है एंडोर्स्ड बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर। एंडोर्स्ड का मतलब ब्रैकेट में लिखा है ट्रांसफर, मतलब वो बिल जो हमने किसी को और को दिया था, किसी और को ट्रांसफर किया था, वो डिसऑनर हो गया। अब इसको समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी, एक केस आपके सामने रखूंगा, देखिए समझ में आएगा, प्लीज पे अटेंशन। मेरे लेफ्ट साइड खड़े हैं मिस्टर एक्स और राइट साइड खड़े हैं मिस्टर वाई। लेफ्ट साइड एक्स, राइट साइड वाई। मिस्टर एक्स के पास से मुझे 20,000 रुपए लेने दो महीने बाद, ध्यान से सुना, मिस्टर एक्स के पास से 20,000 रुपए लेने दो महीने बाद और मिस्टर वाई को 20,000 रुपए देने हैं दो महीने बाद। सो आई हैव टू रिसीव फ्रॉम मिस्टर एक्स रुपीज 20,000 आफ्टर 2 months एंड द सेम अमाउंट आई हैव टू पे टू मिस्टर वाई आफ्टर 2 months। इसका मतलब मिस्टर एक्स इज माय डेटर एंड मिस्टर वाई इज माय क्रेडिटर। समझ में आ गया, एक्स मेरे डेटर है बिकॉज आई हैव टू रिसीव फ्रॉम हिम और वाई मेरा क्रेडिटर है। तो हुआ ये कि एक्स से मुझे 20,000 रुपए लेने ना, तो मैंने एक्स के ऊपर बिल ड्रॉ कर दिया। कौन सा बिल? बिल्स रिसीवेबल। और एक्स ने कहा कि हाँ मैं आपको 20,000 रुपए दे दूंगा दो महीने बाद। तो अब वो बिल मैंने क्या कर दिया, एक्स के पास से लेके एक्स के पास से बिल साइन करवा दिया और वही बिल मैंने किसको दे दिया, मिस्टर वाई को। और वाई से कहा कि वाई साहब दो महीने बाद अब एक्स के पास से जाके पैसा ले लेना, क्योंकि सेम डेट पे मुझे एक्स से 20,000 रुपए लेने हैं और उसी डेट पे मुझे वाई को 20,000 रुपए देने हैं। तो मैं इससे पैसा लेके उसको पैसा दू, इससे अच्छा मैंने क्या किया, उसके पास से जो बिल लिया ना, किसके पास से? एक्स के पास से, बिल्स रिसीवेबल, वो बिल ही मैंने ट्रांसफर कर दिया वाई को और कहा कि जब ड्यू डेट आएगी दो महीने बाद वाई साहब, तो आप एक्स साहब के पास से जाके पैसा ले लेना। यानी मैंने बिल क्या किया, एंडोर्स किया। इसको क्या कहते हैं, एंडोर्स। तो जो डेटर के ऊपर जो बिल ड्रॉ किया होता है वो बिल हम अपने क्रेडिटर को ट्रांसफर करते हैं, उसको कहा जाता है एंडोर्स। क्या कहा जाता है, एंडोर्स। लेकिन बात आगे बढ़ती है, दो महीने बाद ये हुआ कि जब वाई साहब एक्स साहब के पास गए तो एक्स साहब ने वाई को पैसा नहीं दिया, एक्स ने वाई को पैसा दिया ही नहीं, मतलब ये बिल क्या हो गया, फिर से डिसऑनर। कौन सा बिल डिसऑनर हुआ, एंडोर्स बिल डिसऑनर। मैंने एक्स का बिल क्या किया था, वाई को एंडोर्स किया था ना, एंडोर्स मतलब ट्रांसफर किया था ना, और उसको कहा था ना दो महीने बाद पैसा ले लेना। लेकिन दो महीने बाद जब वाई एक्स के पास पैसा लेने गया तो एक्स ने वाई को पैसा नहीं दिया। इस केस का नाम क्या है, एंडोर्स्ड बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर। क्या बोलेंगे इसको, एंडोर्स्ड, एंडोर्स्ड या ट्रांसफर्ड बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर। तो अब जब एक्स वाई को पैसा नहीं देता है और बिल डिसऑनर हो जाता है, तो मैं रिवर्स एंट्री पास करूंगा। और रिवर्स एंट्री ये होगी कि जब एक्स ने वाई को पैसा नहीं दिया ना, तो एक्स फिर से बन गया मेरा डेटर। मैं उसको कहूंगा आपने उसको पैसा नहीं दिया, अब आप मुझे पैसा दो। और वाई बन गया मेरा क्रेडिटर, क्योंकि जब मैंने आपका बिल उसको दे दिया था तो आप मेरे डेटर नहीं थे और ये मेरा क्रेडिटर नहीं था। लेकिन आज जब बिल डिसऑनर हो गया, आपने इसको पैसा नहीं दिया, तो फिर से एक्स क्या बन गया, डेटर, और वाई क्या बन गया, क्रेडिटर। तो जब
किसी डेटर से लेके बिल किसको दिया जाता है, क्रेडिटर को, और जब वो बिल क्या होता है, डिसऑनर, तो एंट्री होती है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स. व्हाट इज एंट्री? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि आप बन गया मेरे डेटर और वो बन गया मेरा क्रेडिटर. आप मतलब एक्स, मिस्टर एक्स हैज बिकम माई डेटर एंड मिस्टर वाई हैज बिकम माई क्रेडिटर. तो जब भी डेटर से लेके बिल क्रेडिटर को देते हैं और जब ड्यू डेट पे वो बिल डिसऑनर हो जाता है तो उस केस का नाम क्या है? एंडोर्स बिल डिसऑनर. और उस एंट्री को रिवर्स करते हुए एंट्री होती है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट. पर्सनल अकाउंट का एक रूल फेमस है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. उसी पर्सनल अकाउंट का एक हिडन रूल आपको बताता हूं, डेबिट द डेटर, क्रेडिट द क्रेडिटर. पहला रूल जो फेमस है वो तो सबको पता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. एक और हिडन रूल माइंड में रखिए, डेबिट द डेटर एंड क्रेडिट द क्रेडिटर. तो जब डेटर से लेके बिल क्रेडिटर को देते हैं और वो बिल क्या हो जाता है, डिसऑनर, तो फिर से डेटर डेटर बन जाता है, क्रेडिटर क्रेडिटर बन जाता है. डेबिट द डेटर, क्रेडिट द क्रेडिटर. डेबिट द डेटर, क्रेडिट द क्रेडिटर. सो सिंपल एंट्री, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर. अब इसका इफेक्ट, डेटर को डेबिट दिया तो डेटर्स बढ़ गया और क्रेडिटर्स को क्रेडिट दिया तो क्रेडिटर्स भी बढ़ गया, मतलब दोनों बढ़ गए. एड टू डेटर्स, एड टू क्रेडिटर्स. सी द इफेक्ट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स. असेट साइड पे एड टू डेटर्स और क्रेडिटर्स जाता है लाइबिलिटी साइड पे एड टू क्रेडिटर्स. समझ गए? जब एंडोर्स बिल डिसऑनर होता है एंट्री, मैंने कहा ना आप जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज सीखोगे ना चैप्टर तो ये आपको जल्दी समझ में आएगा, लेकिन अब वो चैप्टर आने वाला है बाद में और उसकी एंट्री आ रही है पहले, तो थोड़ा समझना समझाना मुश्किल है. लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि डेटर से लेके बिल किसको दिया था, क्रेडिटर को. अब वो बिल उल्टा चल रहा है, वापस किसके पास चला गया, डेटर के पास, और किसने दिया बिल, क्रेडिटर ने. आप ये भी कह सकते हैं डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. हु इज द रिसीवर? डेटर. हु इज द गिवर? क्रेडिटर. व्हाट इज एंट्री? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स. और डेटर्स में आए, डेटर्स बढ़ गया और क्रेडिटर्स, मतलब मेरी एसेट भी बढ़ गई और लाइबिलिटीज भी बढ़ गई. आप ये चारों एंट्रीज खत्म होने के बाद अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन चारों एंट्रीज का जो इफेक्ट है वो सिर्फ बैलेंस शीट पे हो रहा है. इन चारों का असर ना ट्रेडिंग पे हो रहा है ना प्रॉफिट एंड लॉस पे. देखा आपने, ध्यान से देखिएगा, इनका असर किस पे हो रहा है? सिर्फ बैलेंस शीट. तो आपके ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में तो आपको जाना ही नहीं है, इसके लिए आपको सिर्फ बैलेंस शीट पे घूमना है. देखिए यहाँ भी ऐसा ही था, एसेट्स असेट्स, ये लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज, यहाँ भी असेट्स एंड लाइबिलिटीज. समझ गए? ओके. सो वंस अगेन, व्हाट इज द एंट्री व्हेन एंडोर्स बिल इज डिसऑनर्ड? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स. एड टू डेटर्स, एड टू क्रेडिटर्स. कहां पर? Add to debtors asset side, add to creditors कहां पर? liability side. Last year का जो old syllabus है, अगर आपके पास government textbook हो, old government textbook last year की, तो उसमें ये adjustment आपको मिलेगा, इसलिए एक extra adjustment दे रहा हूं. इस साल के textbook में शायद ना हो, इस साल के syllabus में ना हो, लेकिन ये आखिरी important adjustment जो bills of exchange के चार important entries को खत्म करेगा. ये भी ध्यान से पढ़िए, bills payable heading ध्यान से पढ़ना. बिल्स पेबल फिर से इस तरफ आ रहा है. इस तरफ क्या था? बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, और ये क्या था? बिल्स पेबल डिसऑनर. बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर और ये बिल्स पेबल डिसऑनर. अब गलती देखिए क्या हो रही है, इसको आप एक रेक्टिफाइड एडजस्टमेंट भी कह सकते हैं. बिल्स पेबल डिसऑनर इज रॉन्गली इंक्लूडेड इन बिल्स रिसीवेबल. हेडिंग लिखा देखिए, बिल्स पेबल डिसऑनर इज रॉन्गली इंक्लूडेड इन बिल्स रिसीवेबल एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा मतलब उल्टा, मतलब अगर आपको आता है बिल्स पेबल डिसऑनर्ड इज रॉन्गली इंक्लूडेड इन बिल्स रिसीवेबल, या फिर आता है बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड इज रॉन्गली इंक्लूडेड इन बिल्स पेबल, एंट्री एक ही है. देखो कितना सिंपल, या तो आता है बिल्स पेबल डिसऑनर्ड इज रॉन्गली इंक्लूडेड इन बिल्स रिसीवेबल, या फिर आता है बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड इज रॉन्गली इंक्लूडेड इन बिल्स पेबल. मतलब डिसऑनर हुआ था बिल्स पेबल, तो हमको बिल्स पेबल में से लेस करना चाहिए, लेकिन हमने बिल्स रिसीवेबल में ऐड कर दिया. इसका मतलब ये हुआ, जब भी कोई बिल डिसऑनर होता है तो आपको क्या करना चाहिए? जो भी बिल डिसऑनर होता है उसमें से लेस करना चाहिए. बिल्स पेबल डिसऑनर हुआ तो आपको क्या करना चाहिए? बिल्स पेबल में से लेस करना चाहिए. तो इस गलती का मतलब ये है कि बिल्स पेबल डिसऑनर हुआ था तो हमको बिल्स पेबल में से लेस करना चाहिए था, लेकिन हमने बिल्स पेबल में से लेस नहीं करके बिल्स रिसीवेबल में ऐड कर दिया. इसका मतलब ये. और अगर वाइस वर्सा करो तो बिल्स रिसीवेबल जब डिसऑनर होता है तो बिल्स रिसीवेबल में से लेस करना चाहिए था, लेकिन हमने बिल्स रिसीवेबल में से लेस नहीं करके बिल्स पेबल में ऐड कर दिया. मतलब सही जगह से लेस करना चाहिए था, हमने सही जगह से लेस नहीं किया और गलत जगह पे ऐड कर दिया. तो इसका इफेक्ट, प्लीज पे अटेंशन. लास्ट एंट्री, ध्यान से बार बार चाहिए तो वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके आप मेरी एक एक बात सुनेंगे, आपको समझ में आएगा. बिल्स पेबल डिसऑनर इज रॉन्गली इंक्लूडेड इन बिल्स रिसीवेबल.
या फिर वाइस वर्सा, मतलब बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर इज रॉन्गली इंक्लूडेड इन बिल्स पेबल, कुछ भी हो एंट्री है कि है, एंट्री है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अगर बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हुआ है, गलती से बिल्स पेबल में डाल दिया, और बिल्स पेबल डिसऑनर हुआ है उसको गलती से बिल्स रिसीवेबल में डाल दिया, दोनों की एंट्री एक ही है, इफेक्ट एक ही है। इफेक्ट ये है कि दोनों जगह से लेस, शॉर्टकट बता रहा हूं, बिल्स पेबल में से भी लेस और बिल्स रिसीवेबल में से भी लेस, क्योंकि बिल्स पेबल डिसऑनर हुआ था आपने उसमें से लेस नहीं किया तो उसमें से लेस करो, और गलती से किसमें ऐड किया बिल्स रिसीवेबल तो उसमें से भी लेस करो। तो इस पूरे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इस पूरे कंसेप्ट का एक ही बेस है कि दोनों में से लेस करो, लेस फ्रॉम बिल्स पेबल, लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल। एंट्री बनेगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। व्हाट इज एंट्री? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। देखिए बिल्स पेबल में लायबिलिटी साइड पे लेस फ्रॉम बिल्स पेबल एंड टू बिल्स रिसीवेबल असेट साइड पे लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स पेबल डिसऑनर को बिल्स रिसीवेबल में डाल दो या बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर को बिल्स पेबल में डाल दो, उसका इफेक्ट पहले याद रखिए दोनों में से लेस होगा, लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल, लेस फ्रॉम बिल्स पेबल, या बोलो लेस फ्रॉम बिल्स पेबल, लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल, एक ही बात है। एंट्री होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, इफेक्ट होगा दोनों जगह से लेस। समझे प्यारे बच्चों, समझ में आया? ओके, लेकिन पहले पूरा रिवाइज करेंगे एक बार फटाफट। लेफ्ट साइड बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हुआ, कौन सा बिल डिसऑनर हुआ? बिल्स रिसीवेबल। एक बात यहाँ पे नोट कीजिए, बिल्स रिसीवेबल का संबंध किससे है? डेटा से, और ये दोनों क्या है? असेट्स, और असेट्स हमेशा क्या होता है? डेबिट। ये बात पहले समझ लीजिए, बिल्स रिसीवेबल इज रिलेटेड टू डेटास एंड बोथ दीज आर असेट्स एंड असेट्स ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। अब समझो क्या डिसऑनर हुआ है, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हुआ है ना, तो बिल्स रिसीवेबल कम करना है और डेटास को बढ़ाना है, बिल्स रिसीवेबल कम करना है डेटास को बढ़ाना है, तो एंट्री होगी डेटास अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। डेटास में ऐड होगा, असेट साइड पे ऐड टू डेटास, और बिल्स रिसीवेबल में से लेस। जो डिसऑनर हो रहा है उसको कम करना है और उसकी जो पार्टी है उसको बढ़ाना है, बिल्स रिसीवेबल कम हो रहा है और डेटास बढ़ रहे हैं। अब क्या डिसऑनर हो रहा है? बिल्स पेबल, बिल्स पेबल डिसऑनर। अगर बिल्स पेबल डिसऑनर आता है तो बिल्स पेबल का संबंध किससे है? क्रेडिटर से, और ये दोनों कहां जाते हैं? लायबिलिटीज, और इनका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट को क्रेडिट दोगे तो बढ़ेगा और डेबिट दोगे तो कम हो जाएगा। क्या डिसऑनर हो रहा है? बिल्स पेबल, बिल्स पेबल डिसऑनर हो रहा है, तो बिल्स पेबल को कम कीजिए और क्रेडिटर्स को बढ़ाइए। बिल्स पेबल को कम करना है क्योंकि वो डिसऑनर हो रहा है, और क्रेडिटर्स को बढ़ाइए। एंट्री होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल में से लेस, लायबिलिटी साइड लेस फ्रॉम बिल्स पेबल क्योंकि बिल्स पेबल कम हो गया, और उसी लायबिलिटी साइड पे ऐड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स बढ़ जाए। समझे? इस तरफ एक से बिल लेके दूसरे को दिया उसको कहते हैं एंडोर्स्ड, एक से बिल लेके दूसरे को देते हैं उसको कहते हैं एंडोर्स, और जब वो ड्यू डेट पे पैसा नहीं मिलता तो उसको कहते हैं एंडोर्स बिल डिसऑनर। क्या कहते हैं? एंडोर्स बिल डिसऑनर। जब भी एंडोर्स बिल डिसऑनर होता है एकदम सिंपल एंट्री, डेबिट द डेटर क्रेडिट द क्रेडिटर। याद रखें एंडोर्स बिल डिसऑनर की एंट्री डेबिट द डेटर क्रेडिट द क्रेडिटर। एंट्री देखो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, इफेक्ट डेबिट द डेटर्स, डेटर्स बढ़ गया एड टू डेटर्स, क्रेडिट द क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स भी बढ़ गया एड टू क्रेडिटर्स, एड टू डेटर्स, एड टू क्रेडिटर्स। दोनों डेटर्स का होता है एसेट साइड, एड टू डेटर्स, एंड क्रेडिटर्स का होता है लायबिलिटी साइड, एड टू क्रेडिटर्स। समझिए आप। उसके बाद लास्ट, बिल्स पेबल डिसऑनर को गलती से बिल्स रिसीवेबल में डाल दिया, या फिर वाइस वर्सा, यानी बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर को गलती से बिल्स पेबल में डाल दिया। इफेक्ट याद रखिए, बिल्स पेबल डिसऑनर को बिल्स रिसीवेबल में डालो या बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर को बिल्स पेबल में डालो, इफेक्ट यही होगा कि दोनों में से लेस होगा, लेस फ्रॉम बिल्स पेबल, लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल। एंट्री होती है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल में से लेस लायबिलिटी साइड, लेस फ्रॉम बिल्स पेबल, और बिल्स रिसीवेबल में से लेस एसेट साइड, लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल। बार बार देखिए, आएगा समझ में पक्का। इसमें से ये दो एंट्रीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दो के आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी ये 40 का आंकड़ा हमको पूरा करना, तो कोई फॉर्मेलिटी के लिए मैंने ये नहीं सिखाया, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स। आज नहीं तो कल आने वाले कोई अगर आगे सीपीटी या सीए की कोई एग्जाम देना चाहता है, प्रोफेशनल एग्जाम देना चाहता है, तो वहां पर भी ये एंट्रीज काम तो आने वाली है। इसलिए 40 की 40 एडजस्टमेंट्स आपको आने ही चाहिए, उनके दो इफेक्ट्स आपको आने चाहिए, ठीक है। और जो मैंने नोट्स आपको दो बताए थे, जिसमें पहला नोट था कि ये चारों के अलावा अगर आपको और भी एंट्रीज सीखनी है तो रिफर टू द चैप्टर कॉल्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम डेटर को किस नाम से बुलाएंगे? ड्रॉई। और क्रेडिटर को किस नाम से बुलाएंगे? ड्रॉअर। यहां पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं है, फाइनल अकाउंट है, फाइनल अकाउंट में ड्रॉ ड्रॉई वर्ड यूज नहीं होता, वहां पर डेटर और क्रेडिटर, ड्रॉई के बदले यूज होता है डेटर और ड्रॉअर के बदले क्रेडिटर, ठीक है। तो ये आज के और चार एडजस्टमेंट्स, हमारा एडजस्टमेंट्स का सफर कंप्लीट होता है। लेकिन लेकिन एक वीडियो हमने बनाया था जिसका नाम था स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम।
अगर आप वो स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ध्यान से देखेंगे तो उसमें एक स्टेप आता है अप्लाई द फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स, मतलब ये 40 एडजस्टमेंट्स तो हमको आ गए लेकिन कुछ फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स हमको सीखना बाकी है। और ये फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स ऐसे हैं जिनमें हम एंट्रीज पे एंट्रीज पास नहीं करेंगे, सिर्फ उसके इफेक्ट्स देंगे, ऐड और लेस, कहीं से ऐड कहीं पे लेस, या दोनों जगह पे ऐड या दोनों जगह पे लेस। मतलब ये और भी कुछ एडजस्टमेंट्स हमको सीखने, एक ही वीडियो उसका बनाने की कोशिश करता हूं, अगर एक नहीं तो दो वीडियो में सीखेंगे। तो अगला जो वीडियो उसके बारे में मैंने नोट लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स। और वो फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स किसके बारे में होगा, डेटर्स, बैड डेट्स, आरडीडी, आरएफडीडी। आरडीडी का फुल फॉर्म है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, पहले बता चुका हूं। आरएफडीडी का फुल फॉर्म है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, क्रेडिटर्स एंड आरएफडीसी। आरएफडीसी का फुल फॉर्म है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। अगला जो वीडियो होगा ना, अगर वो आपने ध्यान से नहीं समझा तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा, इसलिए वो अगला वीडियो तो आएगा, डिटेल में पूरा समझाऊंगा ये सारे एडजस्टमेंट्स। कोशिश करता हूं कि सारे के सारे ये फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स में एक ही वीडियो में अलग अलग पार्ट्स में बना के डाल दूं, आपको पूरा समझ में आ जाए। वो मैं डिसाइड करता हूं, वो मैं उसका प्लान बनाता हूं, लेकिन तब तक ये जो 40 एडजस्टमेंट्स खत्म हुए हैं उनके नोट्स के साथ आपको पढ़ के अच्छी तरह से माइंड में फिक्स्ड करना है, प्रिपेयर होना है, ठीक है। अगला वीडियो इंपॉर्टेंट है, फिर से याद दिलाऊं, फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स एक दो दिन में लेके आऊं आपके सामने, तब तक के लिए